हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य में स्थित गांधीनगर जिला के बारे में। दोस्तों, गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी भी है, लेकिन राजधानी होने के साथ साथ एक जिला भी है। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि गांधीनगर जिला के कुछ खास बातें। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गांधीनगर जिला, यह ज़िला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के कुल 33 जिलों में से एक गांधीनगर जिला के नाम से जाना जाता है। गांधीनगर गुजरात राज्य की राजधानी भी है। गांधीनगर जिला भारत देश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस जिले की सीमा गुजरात के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। गांधीनगर जिले का हेडक्वार्टर ऑफिस गांधीनगर शहर में ही मौजूद है और गांधीनगर जिला के पड़ोसी जिले का नाम अहमदाबाद जिला, खेड़ा जिला, मेहसाणा जिला, साबरकांठा जिला और अरावली जिला है। गांधीनगर जिला में 216 गांव, 4 तहसील, 4 नगर पालिका, 3 बिजली घर, 7 कॉलेज और 3 मुख्य सरकारी अस्पताल शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो गांधीनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 2140 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार गांधीनगर जिला की कुल आबादी 13,91,753 है। इस जिले का वाहन पंजीकरण संख्या GJ18 है। गांधीनगर जिले का औसत लिंगानुपात 920 के करीब है, यानी कि गांधीनगर जिला में 1000 पुरुष पर 920 महिला हैं। गांधीनगर जिला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 662 किलोमीटर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 545 किलोमीटर, राजकोट जिला से 239 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 931 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। गांधीनगर जिला में हिंदू धर्म की आबादी 94% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 5% है। सड़क रास्ते की बात करें तो इस जिला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के वासी गुजरात के बड़े बड़े शहरों में जा सकते हैं। वैसे इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 8 गुजरती है, जो आगे चलकर गुजरात के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी जिला और जिला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो गांधीनगर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म व 4 पटरी शामिल है और इसका स्टेशन कोड GNC है। और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 84% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 84% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, भोलाबाई पटेल कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, संपर्क कॉलेज, मेहताब पटेल कॉलेज, SK पटेल इंस्टीट्यूट। ये सभी इसी ज़िला में मौजूद हैं, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। अस्पताल की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल भी शामिल है, जो कि लोगों को अच्छी तरह से सेवा अपनी देते हैं। यहाँ के मुख्य अस्पतालों में शुमार एमकर हॉस्पिटल, बच्चनी हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल, उपवन हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, PSM हॉस्पिटल, श्रीजी हॉस्पिटल और अपोलो हॉस्पिटल शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो गांधीनगर ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है।
यहाँ के पर्यटन स्थल में सुमार स्वामी नारायण मंदिर, महात्मा मंदिर, ब्लैक बक नेशनल पार्क, हनुमान मंदिर, रानी कैपिटल मंदिर, रानी कपमती मस्जिद, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सरिता उद्यान, चिल्ड्रेन पार्क आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। दोस्तों, गांधीनगर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।